आज हम बनाने जा रहे हैं मूली के पत्ते से भाजी, जिसमें कम से कम 2 किलो ये मूली का पत्ता है टोटल मिला करके। इतना मैंने पहले से काट चुकी हूँ, इसमें मूली भी है और पत्ता भी है। और इधर इसमें ऐड करने के लिए ये देखिए, ये थोड़ा सा लहसुन है, इसको सबसे पहले छील लेना है। और 3 आलू है और ये 11 मिर्ची है और एक छोटा सा ये कांधा है, मतलब प्याज है, बिहार के हिसाब से प्याज है। तो ये बघार में जाएगा, मिर्ची उर्ची सब बघार में जाएगा। और ये पत्ता है, ये साफ हो चुका है, इसको साफ करना है। तो इसको हम सबसे पहले साफ कर लेंगे, पीला पीला पत्ता उसको हटा देना है। और मूली इस तरह से साफ कर लीजिएगा, खोल लो ना एक फुल वीडियो, यहाँ से ले वीडियो, यहाँ से। अब ये देखिए, इतना मूली मैंने साफ कर ली हूँ और ये पत्ता भी साफ हो गया। अब इसको ना इस तरह से बारीक बारीक काट लेना है, मूली भी बारीक काट लेना है और काट करके अच्छे से धो लेना है 2-3 पानी से। ये देखिए, इस तरह से सब साफ कर लेना है। आपके फैमिली के हिसाब से ले लीजिएगा, जितना आपका फैमिली हो हिसाब से ले लीजिएगा। मेरे यहाँ पर थोड़ा, मैं गांव आई हूँ ना, तो यहाँ पर मेरा बड़ा फैमिली है, तो थोड़ा ज्यादा लेना पड़ा यहाँ। साग भी काट के हो गया, आलू भी काट के हो गया, मूली का मूली भी काट के हो गया। इसको धोना है अच्छे से। अब ये देखिए, यहाँ पर मैंने साग को 3-4 पानी से धो ली अच्छे से। और यहाँ पर 3 हरी मिर्ची है, वो काट ली, उसको ऐसे ऐड करना है। इधर मिर्ची कांदा सब कटा हुआ, लहसुन भी है, इधर सब्जी भी सब धो चुका है, वो पकाने की तैयारी कर। देखिए टोप गर्म हो गया, इसमें हिसाब से तेल डालना है, 85 ग्राम से थोड़ा ज्यादा तेल ऐड करना है। गर्म हो गया, यहाँ पर ये सब ऐड कर देंगे। सब्जी के हिसाब से नमक ऐड कर देना है। ला बताइए तुम, इसको ब्राउन कलर का भूनना है। ये देखिए, इसमें थोड़ा सा हल्दी ऐड करना है भूनने के लिए, तो गरम कलर का जल्दी भून जाएगा। हलवा ऐड कर देंगे, एक मिनट के लिए आलू भूजेंगे। एक मिनट के लिए ढक्कन डाल के छोड़ देंगे, ऐड कर देंगे। बकरी लाओ, बकरी
अभी एक मिनट के लिए इसको पकाएंगे और मिर्ची भी ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से, मिर्ची ऐड कर लीजिएगा कैसा खाने का होता। अब इसको हम निकाल लेंगे प्लेट में। अब इसमें हम साग ऐड कर देंगे। भाई 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 जल्दी कॉल नंबर दे, इसका नंबर ठीक है मेरा। अब खा ले लो। अब ये देखिए साग ऐड कर दी हूँ, इसको कम से कम 10 मिनट के लिए ढक्कन डाल करके छोड़ देना। अब ये देखिए साग बन के हो गया तैयार। अब यहाँ पर ये भुना हुआ आलू है और मूली है, इसको हम इसमें ऐड कर देंगे और ऐड करके चूल्हा बारीक करके इसको 5 मिनट के लिए ढक्कन डाल के छोड़ देंगे। अब ये देखिए इस तरह से मिला देना है और मिला के हम 1 मिनट के लिए और ढक्कन डाल के छोड़ देंगे। अब ये देखिए सब्जी बन के तैयार हो गया। अब यहाँ पर हम चूल्हा बंद कर देंगे और इसको थोड़ा सजा लेंगे। अब ये देखिए बनके सब्जी बनके तैयार हो गया और रोटी भी बनके तैयार है। आज के नाश्ते में रोटी है और ये चिकन का सालन है और ये सब्जी बनाई आज की रेसिपी है, सब्जी है। अगर आप सबको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए।